मैं दीपा खुराना आपका स्वागत करती हूँ घर का नाम में। आज हम बनाएंगे विलेज स्टाइल बिहारी चिकन करी। तो अब हम रेसिपी बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले कढ़ाई में हम आधा कप सरसों का तेल डालेंगे और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। हमारा तेल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1 किलो चिकन डालेंगे। चिकन को कलर चेंज होने तक भून लेंगे। हमने चिकन को 3 से 4 मिनट तक कलर चेंज होने तक भून लिया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम सेम तेल में 4 लाल मिर्च, 4 बेलीव्स और 600 ग्राम लंबे कटे हुए प्याज डालेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। जब तक हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं तब तक हम गरम मसाला पीस लेंगे। गरम मसाले में हमने लिया है 2 इंच दालचीनी, 1 स्टार एनिस, 1/4 चम्मच अखे काली मिर्च, 7 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 5 छोटी इलायची। इन सबको हम जार में डालेंगे और इसमें थोड़ा पानी डालकर इसका स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। सारे मसाले को हमने पीस लिया है। अब हम इसे साइड रख देंगे। हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें 2 लहसुन की कलियां डालेंगे और इसे भी साथ में भुनेंगे। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 बड़ा चम्मच और इसे 1 मिनट तक भून लेंगे। 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, स्लिट की हुई हरी मिर्च डालेंगे, हरी मिर्च ऑप्शनल है, नमक डालेंगे, नमक स्वादानुसार डालेंगे। मिला लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मसाले को 8 से 10 मिनट तक भून लेंगे। बिहारी चिकन में जितना मसाले को भुनेंगे उतना अच्छा टेस्ट आता है, इसीलिए हम बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर 8 से 10 मिनट तक लगातार मसाले को चलाते हुए भून लेंगे। हो चुके हैं। मसाले को हमने मीडियम फ्लेम में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर भून लिया है। मसाले में हम पानी इसीलिए डालते हैं ताकि हमारा मसाला नीचे से जले नहीं। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। मिला लेते हैं। अब हम इसमें पिसा हुआ मसाला डालेंगे। 2 ग्लास पानी डालेंगे। अगर आपको ग्रेवी ज्यादा चाहिए तो आप ज्यादा पानी डालें। अब हम इसे ढककर मीडियम फ्लेम में चिकन के पकने तक इसे पकने देंगे। हमारी विलेज स्टाइल बिहारी चिकन करी बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस बंद करेंगे और इसे सर्व करेंगे। तो तैयार है हमारी विलेज स्टाइल बिहारी चिकन करी। आप इसे राइस के साथ, रोटी के साथ या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।